रूस और यूक्रेन के बीच में आज होगी बातचीत। बेलारूस में रूस और यूक्रेन में आज बातचीत होगी। पोलैंड के रास्ते बेलारूस पहुंचेगा डेलीगेशन। तो देखिए, आज रूस और यूक्रेन के बीच जो पिछले 5 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है, आज उसका 5वां दिन है। और इस बीच में एक खबर सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में आज बातचीत हो सकती है। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत होगी। पोलैंड के रास्ते बेलारूस पहुंचेगा डेलीगेशन और उसके बाद में दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है। उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो पिछले दिनों से युद्ध चल रहा है, उस पर शायद इस बातचीत के बाद विराम लगता हुआ दिखाई दिया जा सकता है। तो एक बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच में आज बातचीत होगी। हालांकि बातचीत के पहले भी बहुत मामले सामने आए हैं, पहले भी बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई बार यूक्रेन की ओर से मना किया गया है, तो कई बार रूस ने भी बातचीत के लिए मना कर दिया। यूक्रेन रूस की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन के पास पहले बहुत वक्त दिया गया था बातचीत करने के लिए, तब यूक्रेन ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और अब बातचीत यहां पर नहीं की जाएगी। लेकिन इन तमाम तनाव के बीच में, विवाद के बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक लंबे इंतजार के बाद में रूस और यूक्रेन के बीच में फाइनली बातचीत होगी। बेलारूस में ये बातचीत होगी और इसके साथ ही पोलैंड के रास्ते से बेलारूस डेलीगेशन पहुंचेगा जहां पर बातचीत होगी। तो पिछले 5 दिन से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में बमबारी का मंजर दिखाई दे रहा है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, तबाही से हर कोई परेशान। भारतीयों की अगर बात करें तो भारतीयों को भी सरकार निकालने की लगातार वहां पर कोशिश कर रही है। 1000 भारतीयों को फिलहाल यूक्रेन से बाहर निकाल लिया गया है और इसके साथ ही अब नई एडवाइजरी भी यहां पर सरकार की ओर से जारी की गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज जो बातचीत होगी, इस बातचीत में क्या कुछ खास निकल कर सामने आता है। क्या वाकई ही बातचीत में कोई हल निकलेगा इस विवाद का, इस तनाव का, या फिर ये तनाव जो है, ये युद्ध जो है, वो और भी बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई देगा। क्या रूस और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत होगी, इसमें यूक्रेन की कुछ शर्तें अगर रहेगी तो वो रूस यहां पर मानता है या नहीं, या फिर रूस की ओर से जो बातें, जो शर्तें यूक्रेन के सामने रखी जाएगी, उन दोनों पक्षों पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तनाव बना हुआ है, जो भयानक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है पिछले 5 दिनों से, इसमें अगर ये खबर सामने आती है कि फाइनली रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हुए हैं, तो यहीं से एक सकारात्मकता दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले 5 दिनों में जो भी ऐसी खबरें सामने आई है कि यूक्रेन या रूस आपस में बातचीत करेंगे, तो बातचीत से पहले ही दोनों देशें अपनी शर्त यहां पर रख देते थे और उस शर्त की वजह से बातचीत यहां पर नहीं हो पाती थी। लेकिन अब एक नई पहल यहां पर कह सकते हैं कि बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत होगी। पोलैंड के रास्ते बेलारूस डेलीगेशन पहुँचेगा जहाँ पर आपस में बातचीत दोनों डेलीगेशन की ओर से की जाएगी और हर किसी की निगाहें इस बैठक पर, इस बातचीत पर, कि फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद में, यानी कि पिछले 5 दिनों से लगातार जो तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है यूक्रेन और रूस में, तो वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। बातचीत यहाँ पर सफल रहेगी और शायद इस युद्ध पर विराम भी लग सकता है। कीव में भी किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। यूक्रेन की राजधानी में बड़ा हमला रूस कर सकता है। हालांकि पिछले 5 दिन से लगातार यहां पर हमला किया जा रहा है, सेनाएं यहां पर अपनी भेजी जा रही है, लेकिन इसी बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज शायद रूस की ओर से बड़ा हमला यहां पर किया जा सकता है। राजधानी कीव को रूस की सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। कीव के चारों तरफ से रूस के सैनिक मौजूद हैं। यूक्रेन के मेयर की ओर से बात कही गई है, रूसी सेना ने कीव से निकलने वाले सभी रास्ते यहां पर बंद कर दिए हैं। नागरिकों को निकालने वाले भी रास्ते यहां पर फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। तो एक बड़ा हमला आज राजधानी कीव पर हो सकता है। राजधानी कीव को रूस की सेना ने चारों तरफ से घेरा है। आपको बता दें कि यूक्रेन के मेयर की ओर से बातें कही गई है कि कीव के चारों तरफ रूस के सैनिक मौजूद हैं। रूसी सेना ने कीव से निकलने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। नागरिकों को निकालने के रास्ते भी यहां पर पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कीव के पास में ऑयल डिपो पर रूसी हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन का ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह कर दिया। यूक्रेन के ऑयल डिपो पर रूस का हमला अभी भी जारी है। यूक्रेन के चरकासी में भी बड़ा हमला हुआ है। आपको ये भी बता दें कि चरकासी में हाईवे के पास में एक बड़ा धमाका हुआ।
इसके साथ ही यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में रूस का कब्जा, मेलिटोपोल में यूक्रेन का झंडा उतार दिया गया। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से शहर पर कब्जा कर लिया गया और वहाँ पर यूक्रेन का जो झंडा लगाया हुआ था उस झंडे को वहाँ से उतार दिया गया। मेलिटोपोल में USSR का झंडा लगाया गया। रात के अंधेरे में रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक। रूस ने खेरसोन में यूक्रेन का एक और तेल डिपो उड़ा दिया है। ऑयल डिपो को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। रूस यहां पर लगातार हमला कर रहा है और इसी बीच में रूसी यूक्रेन सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इसके साथ ही पुतिन के यूक्रेन प्लान पर एक बड़ा खुलासा भी यहां पर सामने आया है। आपको बता दें कि जो बड़ा खुलासा उनकी ओर से किया गया है जिसमें अल जजीरा से रूस के पूर्व डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा है कि युद्ध के अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। पुतिन ने 2 मार्च तक मिशन पूरा करने का ऑर्डर यहां पर दे दिया है। पुतिन ने 2 मार्च तक जीत का टारगेट दिया है। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पिछले 5 दिनों से तो लगातार रूस में और यूक्रेन में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। युद्ध यहाँ पर लगातार हो रहा है, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हर दिन वहाँ पर मिसाइलें दागी जा रही है और इसी बीच में एक ये भी खबर सामने आती है कि युद्ध के अगले 48 घंटे जो हैं वो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से ये साफ कह दिया गया है कि 2 मार्च तक मिशन पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि 2 मार्च को जीत का टारगेट यहाँ पर पुतिन की ओर से दिया गया। रूस की US यूरोप को परमाणु हमले की खुली धमकी मिली है। हमारी एक सबमरीन 500 परमाणु हमले कर सकती है, रूस की ओर से बात कही गई है। एक हफ्ते में अमेरिका और नेटो जो है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, रूस ने धमकी दी है। इसके साथ ही बेल्जियम में यूक्रेन भेजे गए हथियार। बेल्जियम ने यूक्रेन सेना को 300 मशीन गन दी है। बेल्जियम ने 200 एंटी टैंक यहाँ पर दिए हैं। इसके साथ ही बेलारूस पर यूरोपीय यूनियन ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। बेलारूस से तकनीकी शेयर करने पर EU की रोक है। EU ने बेलारूस से तेल गैस इम्पोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। बेलारूस से तकनीकी शेयर अब यूरोपियन यूनियन नहीं करेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान इस बीच में सामने आया है। रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, यूक्रेन की ओर से बात कही गई है। 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। पुतिन के एक्शन से हिटलर की याद यहां पर आ रही है। यानी कि पुतिन फिलहाल जो यहां युद्ध करवा रहा है उन्होंने कहा है कि हिटलर की याद आ रही है। रूसी स्पेशल फोर्स को पुतिन का बड़ा आदेश दिया गया। परमाणु हमले के लिए तैयार रहे सेना, रूसी न्यूक्लियर फोर्स को भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मॉस्को ने बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 5 दिनों से चल रहा है। रूस के साथ संबंध खत्म करेगा WHO। रूस का सहयोग बंद कर सकता है WHO। रूस के खिलाफ में बड़ा एक्शन ले सकता है WHO। UNGA की बैठक बुलाने की मंजूरी मिल गई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर आज UNGA की बैठक होगी। आज शाम को लगभग 7:30 बजे ये बैठक होगी। इसके साथ ही बैठक बुलाने के पक्ष में 11 वोट सामने आए हैं। UNSC की बैठक, अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला सामान्य घटना नहीं है, परमाणु हथियारों पर बयानबाजी ना करें, यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन अब भी रूस से बातचीत करने के लिए तैयार है, यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे हैं। रूस मानवता को शर्मसार कर रहा है, बच्चों को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा।